पंजाब विच अमन कानून की विगड़ रही स्थिति अते वध रहे बिजली संकट नूं देखदे होए श्रोमणी अकाली दल दी जिला लीडरशिप ने डीसी गुरदासपुर राही पंजाब दे राजपाल नूं मंग पत्र दित्ता है अते मंग कीती है कि पंजाब दे लोकां नूं इस मुसीबत दे विचों कढ़िया जावे क्योंकि इस सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। इस पूरे मामले दे संबंध दे विच जानकारी दिंदिया श्रोमणी अकाली दल दे जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली अते सीनियर अकाली आगू सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पंजाब सरकार ते सवाल खड़े करते हुए कहा कि पंजाब सरकार हर फ्रंट ते फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच अमन कानून की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है ते हर जगह ते गैंगस्टरां दे वल्लों गोलियां चलाईयां जा रही ने अते पंजाब दे विच बिजली संकट भी लगातार वधदा जा रहा है ते लंबे लंबे कट लग रहे ने लोकां दा जीना मुहाल हो चुक्या। होर की कहना सी इस मौके उन्हां दा आओ दिखांदे आ तुहानू। डी साहब नूं ही मंग पत्र दे के आए कि गवर्नर साहब नूं भेजा गया उहदे विच सारे मुद्दे जिहड़े असीं लिखे ने उहदे विच इह गल कही गई है कि बिजली दे बड़े लंबे लंबे कट लग रहे ने ते इहदा कोई प्रबंध खास करना चाहीदा भावें इह गल कहिंदे ने सरकार वाले भी कोला है नहीं पर इहदे नाल लोग नहीं सहमत। बड़ी बुरी हालत है लोगों की। इहदे नाल नाल लॉ एंड आर्डर देखो तुसीं अखबारों में रोज़ दिन दिहाड़े कतल हो रहे हैं नशे विक रहे हैं जिहड़ा दिल्ली दे नाल समझौता किया 18 महकमें का वह भी जिहड़ा लोगों को सूट नहीं करता पंजाब में। यह सारिया गल्लां जिहड़ियां असीं लिखियां ने कि झोने की लवाई का जिहड़ा साढ़े इस बन्ने ते पंजाब विच जिहड़े जोन बनाए ने 26 तरीक दित्ती है वह किसानों का बड़ा वड्डा नुकसान है। पनीरियां बीजियां गईयां ने पनीरियां पक जाणगियां लाउणियां ने झाड़ घट जाएगा। मेमोरेंडम लिखा सब कुछ जदों देर दे नाल लेट झोना पकेगा नवी आएगी रेट घट लगेगा मंडियां च रश पएगा। सो ये सारिया गल्लां जिहड़े कह के आए हैं कि गेता झोना होए मटर बीजे जाते हैं आलू बीजे जाते हैं ये जिहड़ा फैसला जिहड़ा 5 तों 10 तरीक दे विच झोना लाउण दा करना चाहिए। यह सारिया गल्लां असीं मेमोरेंडम दे गए। चलो वेखो वह हुण नहीं चली पिछली सरकार कांग्रेस ने किया इन्हें किया लोगों से इन्हों को जवाब मंगना अं तो वेखो बिजली में सरपुरा सूबा बनाया सरदारवीर सिंह बादल ने नवे 4-5 थर्मल प्लांट लाए 24 घंटे लाइट आँदी रही है तो इस गल के नाल भी कोला नहीं मिलता ये लोगों को सच्चे नहीं हो सकते लोग इनके खिलाफ जो देंगे उदो वेखा ना इन्हें तो यह भी कहा कि 300 यूनिट भी माफ़ करा नौकरियां भी देंगे पहले तनखाव देन एवं ये गल् जड़िया ने लोगों के सामने आनगियां हाले महीने दो हुए हैं बड़ी बुरी तरह फेल हो रहे चलो और फिर वैदे इन्हें किए ही हूँ जो नहीं पूरे करेंगे फिर अगला पार्टी प्रोग्राम प्रधान जी वालों आएगा फिर वेखा अगली रणनीति जो प्रधान जी करेंगे वो मुताबिक करा देखो मिजरेबली फेल है जिड्डा वड्डा मैंडेट इन्हों मिलिया जो इन्होंने लोगों को विश्वास दवाया असी समझते कि अज तो बाद ना किसान खुदकुशी करेगा ना जोड़े जवान ने नशे वाले वो मरे जाएंगे नशे बंद हो जाने हैं तो जिन्हें मुलाजमान उन्होंने इंटरव्यू हुई ने उन्होंने फाइनल इंटरव्यू हुई उन्होंने जोड़े पत्र मिलने उन्होंने ज्वाइनिंग लैटर उन्होंने मिलने वो कोई गल भी नहीं हुई उल्टा किसान की बुरी हालत आ रेहड़ियों वाले बेचारे तड़पते फिरदे आ मेरा हिसाब के नाल पंजाब की बहुत माड़ी हालत है और पंजाब दे विच गवर्नमेंट ना की कोई चीज़ नहीं गवर्नमेंट तो दिल्लियों चल रही है कभी ये भी तुसा अज तक देखा 17 साल के इतिहास के ज्ञान आदान प्रदान करना जी पंजाब के लोग नलायक ने तो दिल्ली वाले बहुत इंटैलीजेंट ने ज्ञान बख्शा करेंगे इन्हों हर गल तो इन्हों प्लैनिंग बना के दया करेंगे सारी बदकिस्मती है पंजाब की पर हुण लोगों को झलनी पैनी है और असं समझते हैं कि जे हाली इन्हों को वक्त हैगा असं चाहते भी नहीं इन्हों के उल्टे कखर भी हाली बोलना क्योंकि अं समझते इन्हों 2-4-6 महीने इन्हों काम करने का मौका मिलना चाहिए पर इन्होंने जोड़ा बसमिल्ला ही बहुत गलत पढ़िया पेल जे पार्लीमेंट के राज्यसभा के मैंबर बनाए हैं वो बहरों बनाए हैं उन्होंने पंजाब नाल कोई इंट्रस्ट नहीं है और जो अज पोलीटल वेंडेटा के राही जिन्हें जोड़ा बंदा भी केजरीवाल के उल्ट बोलता रहा सियासत इलैक्शन के हर बंदा एक दूजे के उल्ट बहुत कुछ बोलता वा पर सारे बंदे मार दते थोड़े जाते हैं इन्होंने कई ये पहले मुख्यमंत्रियों के उल्ट बोलता रहा चन्नी के भी उल्ट बोलता रहा किसी ने इन्हें कोई केस रजिस्टर नहीं किया इन्होंने हुण कभी बग्गे नूं लै आउंदे आ कभी कुमार विश्वास नूं लै आउंदे आ कभी बीबी अलका लांबा नूं लै लैंदे आ ये बहुत घटिया गल्लां कर रहे इहदे नाल इन्हां दा ग्राफ बहुत थले गया लोगों इन्हों तो बहुत निराशा हुई है
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਨ ਕਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ईडी नू तो वेखो कोई नहीं डक सकता, ईडी नू चाहिए था। मैं तो कहना ईडी नू जिन्हें जिन्हें बंदियां दे शक आ सारे करी जाना चाहिए था। जब तक करप्शन नू ठल नहीं पाऊगी वधिया एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि इत्थे पोलीटिकल बंदियां दे मूँह नू भी लहू लगा होया ते अफसरां दे मूँह नू भी लहू लगा होया। जब तक करप्शन नू नथ नहीं पाऊगी तद तक सोसायटी नू रिलीफ नहीं मिल सकती, लोगों का सुधार नहीं हो सकता। बड़ी चिंता का विषय है, इसका मतलब इन्हों इस पास तो इन्हों का ध्यान ही नहीं गा। ड्रोन राही कि कुछ इतने आ रहा, कि असला फड़िया जा रहा, उस पास तो इन्हों का कोई ध्यान ही नहीं। सो मैं समझना कि इन्होंने डी जी पी भी इन्होंने नोडल अफसर होर भी जित जित काफ़ी लाए, बड़िया सिट बनाई ने, पर लोगों कोई अच्छे रिजल्ट मिल नहीं रहे। जो इन्होंने कहा पहले दिन तो शुरू कर देंगे, बिजली का बुरा हाल, हर पास किसान जरा दुखी है। सो मैं चाहना भी हाल ही भी इन्हों जो वाला मैंडेट पंजाब के लोगों ने दिता, इन्हों चंगे काम करके दस। जिस तरह धार्मिक संस्थावान हमले हो रहे हैं, माहौल बन चुका है। देखो ये तो सारे पंजाबियों चाहिए, पंजाब का माहौल किसी कीमत नहीं बिगड़न देना चाहिए, पर जे सरकार करूगी कख ना तो फिर इन्हें कौन टक सकता? ये फिर सरकार जिम्मेवार होगी पंजाब का माहौल बिगाड़न वास्ते। जदों कुमार विश्वास वर्गे बंदे दे केस बनणगे, अलका लांबा वर्गियां दे केस बनणगे, झूठे केस बनाए जाणगे विरोधियों के, तो फिर हालात खराब होने ही होने, लोगों की हमदर्दी खोई जाते हैं। लोग इन गलों को पसंद नहीं करते, लोग कहते काम करके दसो। तुसीं जो कहा सी बिजली दिओ लोगों को, किसान की हालत सुधारो, मुलाजम की हालत सुधारो, लॉ एंड आर्डर कंट्रोल करो, नशे बंद करो, गैंगस्टरां नूं बंद करो, लुटमार बंद हो, ये लोग चाहते थे। ये वास्ते लोगों ने मैंडेट दिता से, ना कि इन्हों राजभाग कुर्सियां झूठन वास्ते दिता से। राजभाग नशा नशे का मुद्दा बड़ा एक फैक्टर रहा, तो हूँ आए दिन कितने ना कि नशे के नाल मौत जो सामने आ रही हैं। बेटा उ सरकार जुम्मे जो मढ़िया जाता है नशा उन्होंने करके हम आम आदमी बेटे अगे तो कह दिता से नशे दूजिया के किंतु परंतु करना, नुकताचीनी करनी दूजिया के बहुत आसान, काम करना बहुत औखा। ये अगे तो कहता सी कि भी धूं जरा दिल्ली पहुँचता वा पंजाब का, ऐरका तो 100% अगर लगिया ने नाड़ नू, ऐरका दिल्ली वाल नहीं गया, ऐरका पाकिस्तान वाल भेजता, क्योंकि उत्थे इन्हां दी सरकार बन गई। उन्होंने कहता भी हम धूं पाकिस्तान में जाए, इधर नू नहीं दिल्ली आना चाहिए। सारा झूठ बोलते, झूठ बोल के उन्हें सरकार बना ली है, तो हम लोग पछताउणगे बेचारे। बेटे एक बस, बेटे बहुत बुरा हाल आ। वो बच्चे बेचारे पता नहीं वो ड्राइवर ने किस तरह बच्चों बचाए आ, किसी सड़क पर चल जाओ, फॉरेस्ट वाले के सारे दरख्त सड़ गए हैं, किसी नहर के कंढे पर चल जाओ, जिन्हें नहर के दरख्त लाए वो सड़ गए हैं। बहुत लोगों का नुकसान होया, इस पास किसी ने ध्यान नहीं दिता। अगे एडमिनिस्ट्रेशन कहती होंगी सी असी जी नाड़ नहीं सड़न देना, हुण एडमिनिस्ट्रेशन ने नक्क के थले हज़ारा एकड़ जिहड़ा नाड़ सड़िया वा, हुण नहीं सरकार एडमिनिस्ट्रेशन नूं पता, हुण नहीं कदी केजरीवाल बोलता। अगे तो धूं दिल्ली जाके इन्हों उ खंघ ला दिता से, उत्थे खराबी करता से, प्रदूषण फैलाता से, तो हूँ इन्ना धूं जरा दिल्ली में गया, हूँ कहता नहीं धूं इधर दिल्ली में नहीं, हम पाकिस्तान में चला गया। पटियाले मसले के उत्ते हिंदुओं के भाईचारे वालों बार बार मांग पत्र दिए जाते भी वो अज तक वो बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो हिंदू सिख जो भाईचारा जी सदियों तो आपां कट्ठे आ, कट्ठे रहना वा, ये किसी शरारती बंदे की खेड आ, ये बिल्कुल किसी कीमत नहीं आप इनू। यह तो जो पंजाब के माड़े दिन से उदों भी यही जी हालात नहीं बने, ये सारा लूज एडमिनिस्ट्रेशन का, इन्हों का लॉ एंड आर्डर की कमजोरी करके सारिया गल् हो रही ने। बाकी अपना भाईचारा सदियों तो कायम, अगे भी कायम रखना, असा तो सारे ने सहयोग करना भाईचारा कायम रखने वास्ते।